हेलो फ्रेंड्स, शारिक खान हेयर फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस। आज का आप टॉपिक देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसका एप्लीकेशन बहुत होगा। आप जितने भी प्रॉब्लम्स आगे हम सॉल्व करेंगे वेक्टर्स से रिलेटेड, इनमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का यूज होगा। हमें इन वन वे और दी अदर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। लास्ट टर्न में हम लोगों ने, आपको याद होगा, डिस्कस किया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक। और उस ट्राइंगल लॉ से हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया था। अगर किसी बॉडी पर दो वेक्टर्स ऐड एक साथ एक्ट हो रहे हैं तो हमने दोनों को जोड़ के एक बना लिया। ये एक जो दोनों को जोड़कर एक बनाया गया, ये लास्ट टर्न में आपको बताया था कि ये था दोनों का उस बॉडी पर कंबाइंड इफेक्ट या वेक्टर सम, और इसी को रिजल्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको रिजल्टेंट भी कहते हैं। और दो ट्राइंगल्स को, अगर हम किसी दो वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ट्राइंगल की थर्ड साइड दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करती है, और उस थर्ड साइड की जो लेंथ होती है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी से मैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सपोज ये वेक्टर कोई वेलोसिटी है, तो ए बी जो है इसका वेक्टर है, ए पॉइंट कहलाता है इसका टिप, बी टेल, बी पॉइंट कहलाता है इसका टिप या हेड, और इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ रिप्रेजेंट करती है इसका मैग्नीट्यूड। आज का हमारा कंसंट्रेशन मैग्नीट्यूड पर ही होने वाला है, और ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि इसके पहले की सिर्फ अभी 3 क्लासेस अपनी हुई है, बहुत ज़्यादा कवर नहीं हुआ है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि आप आज ये वाली क्लास देखने के बाद, और कुछ प्रैक्टिकल भी हम प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की आज, तो आप इसके पहले पुराने वीडियोस आप जरूर देख लें ताकि आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। स्पेशली मैं चाहूंगा कि आप यूनिट वेक्टर क्या होता है वो जरूर देख लें। अब यहां पर मैग्नीट्यूड की बात पूरी कर लो, फिर यूनिट वेक्टर की बात करूंगा, फिर आज हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे। तो इसमें मैं वेक्टर वी को कैसे लिखूंगा, मैं वेक्टर वी को लिखूंगा वेक्टर ए बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसको मैं इसे बार्स में लिखता हूं। सपोज ये वेलोसिटी है टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर पर सेकेंड टू ईस्ट, यानी मतलब ये मेरी वेलोसिटी हो गई 5 i। ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं, है ना, सबको मालूम है। और अगर किसी को दिक्कत होगी तो उसके लिए रिपीट हो जाएगा, सबके लिए रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे लेंथ, हा? अच्छा, अब ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ यानी लेंथ है भी, ऐसे लिखते हैं इसको। और ये कितना है, ये है 5 i मीटर पर सेकेंड, है ना, 5 i। सपोज ये वेलोसिटी है 5 i, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब आई कैप चला गया, आई कैप जो इसको डायरेक्शन दे रहा था वो चला गया, ठीक, ओके। चलिए एक और एग्जांपल आपको देके बताऊं मैं। अच्छा हाँ, मैं आपसे बोल रहा था कि यूनिट वेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो भाई देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड, कॉमेंट बॉक्स में आप आज अपनी, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी और अपनी अपना पेन जरूर अपने पास लिखें रखें, जो जो बताते जा रहा हूँ वो तो नोट करना ही है। अगर कुछ असाइनमेंट दूँ आज आपको, मैं बहुत रिटर्न असाइनमेंट देने वाला हूँ, तो आप उसके असाइनमेंट क्या, बल्कि ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम्स आपको देने वाला हूँ, आप जब ये पूछा जाएगा तो आप चैट बॉक्स में इसको कैलकुलेट करके मुझे ज़रूर बताना। आप साथ साथ कैलकुलेट करके लिखते जाओगे, बताते जाओगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप उसको रियली फॉलो कर रहे हैं। तो अपने, और मैं चाहूँगा कि सब बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं, ये नहीं कि साहब एक बच्चा दो तीन बच्चे लिख रहे हैं, हाँ ये लिख तो रहा है, हम क्यों लिखें, इतने लिथार्जिक नहीं होना, तो आपका घाटा होगा, उसमें नुकसान होगा। मैं बता रहा था यूनिट वेक्टर क्या होता है। कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। अब पूरे मैग्नीट्यूड के ऊपर खेल है आज का, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर
जो है ये हमारी इस फिल्म का हीरो है, सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य अतिथि है, ये मुख्य कलाकार है ना। तो यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड तो खैर है ही, यूनिट वेक्टर अगर क्लियर होगा हमारे सारे वेक्टर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट होंगे। तो अगर ये एक ए कैप यूनिट वेक्टर हो, उसके ऊपर एक कैप लगा दी, मतलब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड है कितना, 1। तो इसको कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी यहां पर आपने देखा 5 मीटर पर सेकेंड, तो वी कैप की वैल्यू आई कितनी, आई कैप हटा देंगे आप, 5 मीटर पर सेकेंड से ये कैंसिल हुआ, 1 आई और 1 टू ईस्ट। तो यूनिट वेक्टर का इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप यूनिट वेक्टर का किसी भी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करें तो यूनिट वेक्टर उसको अपनी डायरेक्शन दे देता है। अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा तो उसका आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मिल जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। याद रखो मैग्नीट्यूड मतलब होता है हाउ मच, ठीक है, इतना तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो आज और गाड़ी आगे बढ़ाएं, आज हमें बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं। तो अब मैं बहुत बड़ा बहुत आसान आसान एग्जाम्पल दे के आपको समझाते जा रहा हूं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है फोर्स एफ, और सपोज इसकी वैल्यू है 10J न्यूटन। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा 10 न्यूटन, दैट इज एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सब लिखते जाओ, ये साइड बाय साइड आप लिखते भी जाइए और आगे बढ़े। ये सपोज सबने नोट कर लिया होगा तो मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये भी नोट कर लिया होगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज एक बॉडी पर ये दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्स एक्ट हो रहा है ये और एक फोर्स एक्ट हो रहा है ये। हम इनिशियल स्टेज पे 3-4-5 ट्राइंगल लेते हैं, 3-4-5 ट्राइंगल से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इजी होता है समझने के लिए इनिशियल स्टेज के ऊपर। सपोज बॉडी पर ये फोर्स एक्ट हो रहा है एफ वन, ठीक है ना, या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैं इसको लिख दूं एफ एक्स, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये एक्ट हो रहा है, तो मैं सपोज ये लिख दूं ये है 4 आई कैप न्यूटन, और बॉडी पर दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है, ये दूसरा फोर्स बॉडी पर एक्ट हो रहा है कितना, ये अलोंग वाई एक्सिस है, और इसकी वैल्यू कितनी है 3J। तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, और जो बॉडी जाएगी इन दोनों फोर्सेस के बीच में कहीं जाएगी, इस डायरेक्शन में बॉडी जाएगी। तो अब ये इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये क्या हो गया, ये इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो गया, इसको हम कहेंगे एक्स, ठीक है। टग ऑफ वॉर में भी तो ये होता है, एक रस्सी होती है, दो टीमें बन जाती है, एक रस्सी से उधर खींचता है, दूसरा इधर खींचता है, तो जो ज्यादा फोर्स लगाता है बॉडी उधर चली जाती है। वो कब होता है, जब दोनों फोर्स एक ही लाइन के अलोंग लगाएं, लेकिन अगर एंगल से लगाएंगे तो अब बॉडी ना तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगी और ना ही ये बॉडी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगी, बल्कि बॉडी इन दोनों के बीच में कहीं जाएगी, मतलब ये दोनों वेक्टर्स जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक वेक्टर बना लेंगे। तो इस एक वेक्टर को कहते हैं इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, या इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम, या इन दोनों वेक्टर्स का इस बॉडी पर कंबाइंड इफेक्ट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये था अलोंग वाई एक्सिस और ये फोर्स बॉडी पर एक्ट हो रहा था अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस फोर्स एफ को या रिजल्टेंट को हम लिखते कैसे हैं, ये हम प्रैक्टिसेस की पहले कर चुके हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये 4i + 3j। कैसे लिखते हैं, 4i + 3j। अब सवाल ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका मैग्नीट्यूड निकालें कैसे। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आज हम यहां यूज करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। क्या यूज करेंगे,
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर है, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्ट हो रहा है, दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्ट हो रहा है। तो देखो क्या करेंगे हम पहले एक आर्म से फोर्स एफ एक्स शो करेंगे, और ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया, इसको मान लिया ए बी। फर्स्ट वेक्टर को हमने एफ एक्स को मान लिया जिसकी वैल्यू 4 आई है, ए बी मान लिया जिसकी वैल्यू कितनी है 4 आई। और दूसरा वेक्टर हम इसके टेल के ऊपर, इसका टेल इसके टिप के ऊपर रख देंगे, किसका, इसका एफ वाई का, ये एफ वाई हो गया, कितनी वैल्यू है इसकी 3j। अब टेल टू टिप, ये हमारा ट्राइंगल लॉ है, टेल टू टिप हमने ज्वाइन कर दिया। तो थर्ड साइड ए सी क्या होगी, यहां थर्ड साइड इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी, आर इज इक्वल टू एफ। तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, ट्राइंगल लॉ भी यही बोलता है हमसे, क्या बोलता है ट्राइंगल लॉ, ए वेक्टर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। देखो अब यहां बेटा बहुत ध्यान से सब लोग समझना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम आसान हो जाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखो, एक बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बॉडी कहां जाएगी, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की डायरेक्शन में जाएगी, यानी बॉडी पर दोनों फोर्सेस एक्ट जुड़ जाएंगे, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वेक्टर सम उस डायरेक्शन में बॉडी जाएगी। तो देखो इस फोर्स को हमने एफ एक्स को ए बी से शो किया ट्राइंगल की एक साइड से, एफ वाई को ट्राइंगल की इस साइड बी सी से शो किया हमने। तो अब ये देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तो इस दोनों का रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी वो दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। तो अब ट्राइंगल लॉ हम जानते हैं, ए बी एरो के डायरेक्शन में चलते, हम एरो के डायरेक्शन में चलते हुए ऐसे जाते हैं, ये एरो आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, एरो की कोई वो नहीं। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इसको हम ट्राइंगल लॉ बोलते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी इनका रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखते हैं ए सी क्या है, हमारा रिजल्टेंट है यानी अप्लाइड टोटल फोर्स जो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। एफ एक्स मैं लिख सकता हूं इसको, ये इसको भी आई लगा दूं मैं, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, ये मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एफ वाई जे इज इक्वल टू 3j। ये आप भी लगा दो, आप डायरेक्शन पता चल जाएगी, अलॉन्ग वाई एक्सिस एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे लिख लो जरा। अब और आगे इंपॉर्टेंट फेज आने वाला है इसका, यहां तक ये नोट करो, बहुत ही क्रूशियल स्टेज के ऊपर है, कोई बच्चा कंटिन्यूटी मिस मत करना। और आप देखो कि यार इतना आसान भी है ये, तो बड़ा मजा आने वाला अगर आप ये समझ जाओ, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका यही है, मैं इसके ऊपर दोबारा आ रहा हूं। देखो अगर कोई वेक्टर ए है तो टू डायमेंशन में क्या लिखूंगा उसको, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, यानी ये उसकी वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और ये उस वेक्टर की वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये कहलाता है एक्स कंपोनेंट, ये कहलाता है वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। इतना लिखो जरा। अब मैग्नीट्यूड के ऊपर आ गया, थ्रस्ट पूरा हमारा मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो हो ये भी आपने नोट कर लिया होगा, तो किसी ट्राइंगल की दो साइड अगर दो वैक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है तो थर्ड साइड उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करती है। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, ओके इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो जरा ए सी क्या है, ए सी है ना, वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ, ये लिख दिया मैंने ऐसा। तो वेक्टर ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर एफ। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ होगा, ठीक है ना। तो ये ए सी वेक्टर एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो ए सी वेक्टर एफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज इक्वल टू ए सी, कहने का मतलब ये अगर ए सी थर्ड साइड रिप्रेजेंट करती है तो ए सी की लेंथ, एसी की लेंथ इस रिजल्टेंट यानी कंबाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी। और मैं यहां यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस शॉर्ट में लिख देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी की वैल्यू आएगी
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो यहां ए बी का मैग्नीट्यूड क्लियरली जरा देखना, ए बी शो कर रहा है एफ एक्स आई, एफ एक्स आई, तो ए बी इज इक्वल टू होगा एफ एक्स, एंड बी सी क्या शो कर रहा है, बी सी शो कर रहा है एफ वाई जे, वैक्टर बी सी एफ वाई जे, वैक्टर बी सी एफ वाई जे, ठीक है। तो लेंथ बी सी शो क्या करेगी, लेंथ बी सी शो करेगी वेक्टर एफ वाई का मैग्नीट्यूड, ठीक, ये वाली बात समझ लो अच्छी तरह से। वेक्टर ए बी क्या शो कर रहा है एफ एक्स आई, तो लेंथ ए बी क्या शो करेगी उसकी एफ एक्स की वैल्यू। तो मैं इसको और एलेबोरेट कर रहा हूं, तो ए सी, तो ए सी क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, एफ एक्स स्क्वायर, रेड से लिखूंगा इसको, मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ए सी है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एफ, रेडिंग यूज करो, ए सी लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज इक्वल टू ए बी है एफ एक्स, एफ एक्स समझना दोबारा, वेक्टर ए बी एफ एक्स आई वेक्टर फॉर्म में आ गई है, लेकिन लेंथ ए बी इज ओनली मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड इसका एफ एक्स है, एफ एक्स आई का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है एफ एक्स, वेक्टर एफ एक्स आई का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है एफ एक्स, डायरेक्शन हटा दो, डायरेक्शन हटाओगे क्या बचेगा, ओनली द मैग्नीट्यूड, तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये जरा नोट तो करो, अब इसको यूज करें, इसको नोट कर लो, अब इसको हम इसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये आपने सबने नोट कर लिया होगा, ट्रायंगल लॉ लगाया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि दोबारा इसको बार बार, क्योंकि इसका यूज है, इसलिए बार बार इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं। देखो वेक्टर ए बी शो कर रहा है, वेक्टर ए बी शो कर रहा है एफ एक्स आई कैप डायरेक्शन, तो लेंथ ऑफ ए बी क्या शो करेगी, इस वेक्टर एफ एक्स का मैग्नीट्यूड, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह लेंथ बी सी क्या शो करेगी, वेक्टर बी सी शो कर रहा है एफ वाई जे कैप, देयरफॉर बी सी की लेंथ क्या शो करेगी, इस एफ एक्स जे कैप का मैग्नीट्यूड ओनली, दैट इज एफ वाई, ठीक है। और यहां हमें जो ये मिला, अब हमारे इस बॉडी पर ये आपने नोट कर लिया होगा, मैंने दोबारा लिख दिया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, यहां आप देखो तो देखो एफ वाई जे इक्वल टू थ्री जे, एफ एफ एक्स आई इक्वल टू है फोर आई, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी फोर, एंड एफ वाई जे की वैल्यू कितनी है 3j, तो एफ वाई की वैल्यू कितनी 3 हुई। इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में मैं रख रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट f मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, आएगा एफ एक्स की वैल्यू 4 स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू 3 स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू हो गई इसकी, इसकी वैल्यू हो गई 25, तो f मैग्नीट्यूड कितना आया 5। ऐसे निकालते इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, एक बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे थे, एफ था एफ एक्स आई इज इक्वल टू फोर आई न्यूटन, दूसरा फोर्स था एफ वाई जे इज इक्वल टू थ्री जे न्यूटन। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये, इतना नोट करो। तो होपफुली आपने समझ लिया होगा, अब इसको मिटा रहा हूं और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर ए, उसके कंपोनेंट है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी
फॉर्मूला ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये टू, अभी दो फोर्सेस की, दो वेक्टर की बात हो रही है, थर्ड वेक्टर के ऊपर हम नहीं आए। ये इसका फॉर्मूला हुआ, ठीक। ओके, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते क्लैरिटी नहीं आती। साफ क्लैरिटी तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, मान लिया मैंने कि एक बॉडी है, उस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, या कोई वेक्टर है, एक वेक्टर है, सपोज कितना, एक वेक्टर है 3i, चलो कुछ और वैल्यू लो, 3 तो बहुत ले लिया, उसकी वैल्यू है 5 भी आ गया है, 2i कैप प्लस, और एक नया टर्म यूज करूं, 4j कैप, एक वेक्टर है। तो मुझे निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ये इक्वेशन वन, जनरल फॉर्मूला वेक्टर निकाल का, मैग्नीट्यूड निकालने का जनरल फॉर्मूला इस वेक्टर के निकालने का, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन थ्री। ये कोई वेक्टर है एक्स आई ए वाई जे, कोई भी जनरल वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं, एक जनरल वेक्टर है ये। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, दो वेक्टर से तीसरा भी इन्वॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम से, वो था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ए एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट प्लस ए वाई स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक। अब एक वेक्टर है 2i प्लस 4j, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब आप देखो हियर, यहां सॉल्व करते हैं, हियर ए एक्स इज इक्वल टू 2, देखो कंपेयर करो, ए एक्स आई, यहां आई से मल्टीप्लाई कर रहा है 2, यहां आई से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या आप लगा सकते हो, ना भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता। तो आई से मल्टीप्लाई कर रहा है 2, यहां एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। ए यहां देखो इक्वेशन वन इक्वेशन थ्री, जे कैप से मल्टीप्लाई कर रहा है ए वाई, यहां जे कैप से मल्टीप्लाई कर रहा है 4, तो ए वाई की वैल्यू हो जाएगी 4। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बार बार लिखा करो, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, ए एक्स की वैल्यू 2 है ये, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल अंडर रूट, ये कितना हो गया 4 प्लस 16 होल अंडर रूट, ये कितना हो गया 20, आप चाहो तो 20 छोड़ सकते हो, ठीक है, या और आगे लिखना चाहो तो 2 अंडर रूट 5। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड है। तो अभी मैंने आपको बताया, इतना नोट कर लो पहले और आगे चलते हैं। ओके, एक वेक्टर अगर किसी बॉडी पर एक्ट हो रहा हो तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया। अगर बॉडी पर दो वेक्टर्स एक्ट हो रहे हैं तो दो का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं तो वो भी आ गया। अब अगर किसी बॉडी पर तीन वेक्टर्स एक्ट हो रहे तो 3 डायमेंशन में आ गए हम, तो उनका वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उनका वेक्टर सम यानी रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। चलो, एक बॉडी है ये, तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, एक फोर्स एक्ट हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक फोर्स एक्ट हो रहा है, और अलोंग जेड एक्सिस एक फोर्स बॉडी पर एक्ट हो रहा है ये, ठीक। अच्छा, अब मैं जानता हूं कि अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और अलोंग जेड एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस बॉडी पर यहां पर मेरे पास ये तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये मान लो एफ एक्स कितना एक्ट हो रहा है, सपोज 2i अलोंग एक्स एक्सिस, 2 इसकी वैल्यू, डायरेक्शन के लिए आई कैप लगा दिया। अब ये फोर्स देखो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है जे की अपोजिट डायरेक्शन में, कितना फोर्स एक्ट है ये, सपोज ये है 5
इंटू जे का अपोजिट डायरेक्शन माइनस जे, यानी ये हो गया माइनस फाइव जे. और थर्ड फोर्स ये बॉडी पर अलॉन्ग जेड एक्सिस एक्ट हो रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा ये हो गया एफ वाई. और इसको लिखूंगा एफ जेड इज इक्वल टू कितना मान लू, सपोज ये है, मान लिया ये है कितना, थ्री के कैप. ये तीन फोर्सेस इस बॉडी ऊपर साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं. एक एक्ट हो रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 2i न्यूटन उसकी वैल्यू है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एफ एक्स लिखा. इसकी वैल्यू एफ वाई की वैल्यू है, वेक्टर है ये एफ आई, ऐसे भी लिख सकता हूं ठीक. एफ वाई जे अलॉन्ग जो जे वाई एक्सिस है अलॉन्ग वाई एक्सिस, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव जे. माइनस क्यों आया, क्योंकि ये एक्ट हो रहा है देखो इस बॉडी पर इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में. एफ जेड के लिख दू, इसकी वैल्यू कितनी, 3k न्यूटन. ये तीन फोर्सेस बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं. तो अब इनको ऐड कैसे करते हैं, इसकी तो हमने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, हम इसको ऐड करेंगे ऐसे. तो देखो वेक्टर एफ यानी इनका रिजल्टेंट यानी इनका वेक्टर सम कितना हो जाएगा, ये होगा देखो पहला फोर्स कितना है मेरा 2i प्लस माइनस, दूसरा कितना माइनस, कितना है माइनस, ये वाला सेकंड अलॉन्ग y एक्सिस है माइनस 5j, माइनस 5j इसकी वैल्यू, माइनस 5j ठीक. और तीसरा प्लस 3k प्लस, दिख रहा होगा शायद थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, 3k. तो f इज इक्वल टू आया 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप. तो जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा f x i. अगर तीन वेक्टर सेट हो रहे हैं किसी बॉडी पर तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है f x i प्लस f y j प्लस f z k ठीक. तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट f x स्क्वायर प्लस f y स्क्वायर प्लस f z स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ठीक है. ओके अब इसके बाद देखो यहां हियर, अब कंपेयर कर लें, इसको देखो इसको देखो, i से मल्टीप्लाई कर रहा है fx, यहां कर रहा है 2, तो fx की वैल्यू हुई 2. फिर fy को j मल्टीप्लाई कर रहा है, j से मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस 5, तो fy की वैल्यू आ गई माइनस 5. एंड fz k को मल्टीप्लाई कर रहा है k कैप, यहां k कैप का कोएफिशिएंट 3 है, यहां fz है, तो fz की वैल्यू आ गई 3. तो f की वैल्यू मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, ये लिखा फॉर्मूला, 2 स्क्वायर fx की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस fy की वैल्यू माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस fz की वैल्यू 3 स्क्वायर. सॉल्व कर लो यार इसको, देखो कितना सिंपल है ये. अब आपको वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसकी अच्छी खासी समझ आ गई होगी. तो देखो ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 25 प्लस ये हो गया कितना 9, सबको ऐड कर दो, 29 प्लस 9 कितना हो गया, 29 प्लस 9 38, ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड हुआ इनका होल अंडर रूट 38, इसको नोट करो. अंडर रूट 38 इज द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एफ, नोट करो बेटा. अब आपसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने, लिखो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं आपको निकालना है क्वेश्चन ये, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स.
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स. नंबर वन, एक बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट है डी, कितना? 3i कैप. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का, ये मीटर लिख दिया मैंने, ठीक. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3i का मैग्नीट्यूड, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना का मैग्नीट्यूड हुआ 3 मीटर. देखो कितना सिंपल. अब ये आप करेंगे और मैं चैट बॉक्स में चेक करूंगा, आपको टाइम दूंगा. जो जो बच्चे सही लिखेंगे उनको शाबाशी मिलेगी. सेकेंड एग्जाम्पल है, वेक्टर मेरे पास, चलो मान लो फोर्स, फोर्स एफ कितना है ये, सपोज ये है 3i-6j न्यूटन एक बॉडी पर, ये इसका मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है. आपको टाइम दिया मैंने, आप लोग फटाफट, और टाइम आपका है किसका, मुश्किल से 15 सेकंड टाइम है, 15 सेकंड्स में आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करिए, मैं चैट बॉक्स में चेक करूंगा. आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी. अगर ये समझ में आ गया तो आप देखना इतने फैंटास्टिक प्रॉब्लम्स हमारे बनने वाले हैं इससे. ओके, तो यहां देखो सेंस, अब आपने लिख लिया होगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स आई प्लस एफ एफ वाई जे, है ना. कैप ना भी लगाओ तो इतना माइंड नहीं करते उसको. फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, एफ वेक्टर एफ के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर. आप बोलोगे सर ये रूट में कैसे लिखें, तो आपके जो भी वैल्यू आती है लिख देना रूट, चैट बॉक्स में रूट सो एंड सो, आप लिख देना रूट सो एंड सो. जैसे रूट थर्टी नाइन आया, अभी रूट 38 आया था, तो रूट लिख दो वर्ड्स में, रूट 38 डिजिट्स में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर सही है, क्योंकि आप चैट बॉक्स में तो आप रूट का सिंबल नहीं लिख सकते हो, है ना. तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और एफ वाई की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 36, ये कितना हो गया 45, एफ की वैल्यू 45 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है. जिन बच्चों का रूट 45, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दे हैव डन इट वेल, अब उन्हें समझ में आ गया ये. लास्ट आज का एग्जाम्पल, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, आज बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. एक वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मान लो वेलोसिटी है, कितनी है आई कैप माइनस 2j प्लस 3k. मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है. ये वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, ये वेलोसिटी लिखी हुई है, हियर इट इज द वेलोसिटी लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड निकालना है. शुरू कर दो, करिए, आपको टाइम दिया, आपको ये मैग्नीट्यूड निकाल के बताना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा. तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, जनरल फॉर्मूला वो आप लिखेंगे. v इज इक्वल टू होल अंडर रूट, ये हो गया आई का मैग्नीट्यूड, कितना हो गया इसका मैग्नीट्यूड 1, तो ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस जे का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है जैसे माइनस 2, तो यहां मैं लिखूंगा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो गया ये 1 प्लस 4 प्लस 9 होल अंडर रूट, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, तो अंडर रूट 14 आप लिखेंगे, रूट 14, दैट इज द करेक्ट आंसर. जिन बच्चों ने ये किया शाबाश, जिन बच्चों से एक बार में नहीं हुआ दोबारा प्रैक्टिस करो, फिर नहीं हुआ फिर प्रैक्टिस करो. देखो फिजिक्स में प्रैक्टिस की बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है, बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेगा. फिजिक्स में तो पूरा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अपने आप को कंफर्ट जोन में पाओगे. तो जिन बच्चों से भी इनिशियल स्टेज में बन नहीं रहा, तो सबसे पहले पुराने तीनों वीडियो देख लो, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बारीकी समझ लो, उसके बाद छोटे छोटे सिंपल से फॉर्मूले वो समझ लो, इतना सब समझ में आ जाएगा. और ये भी कोई सिंपल है, ये भी कोई खास बात नहीं है, ये इस लेवल की मैथमेटिक्स तो हम लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ लेते हैं, है ना. तो अब आप तो क्लास 11th में आ गए बेटा, अपना भी हमें लेवल बढ़ाना पड़ेगा. और ये मत सोचना ये हमसे बन नहीं रहा, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो ये बोल रहा होगा कि यार ये मुझसे बन नहीं रहा. कोई भी है बच्चा जो क्लास 11th में आ चुका है तो वो उसको सिंपल मैथमेटिक्स तो सब जानते हैं, सबसे डेफिनेटली बन गया होगा. अब
मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा रहा हूं यहां, और वो न्यूमेरिकल ये है, आप देखेंगे अभी। दो बड़े छोटे से सिंपल से न्यूमेरिकल्स करवाने की कोशिश करता हूं, तो लिखो। फर्स्ट न्यूमेरिकल डिक्टेट भी कर रहा हूं, लिखो, ये डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड, ये प्रॉब्लम नंबर वन, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ वेक्टर आर जिसकी वैल्यू है टू आई माइनस टू रूट थ्री जे। मुझे इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और मुझे इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। साफ बात है कि एक पॉइंट के ऊपर दो वेक्टर्स ऐड हो गए, एक वेक्टर तो हो गया ये 2i, इसको मैंने ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और दूसरा वेक्टर मेरा कितना है, दूसरा वेक्टर है नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी नीचे डायरेक्शन होगी, और उसकी वैल्यू कितनी है, ये जे है, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो अब मैं जानता हूं कि जब मुझे एक वेक्टर को में दूसरा वेक्टर ऐड करना होता है तो मैं क्या करता हूं, उस दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के पे रखता हूं। अगर बीसी नेगेटिव डायरेक्शन में इस नेगेटिव वेक्टर को शो करता डाउनवर्ड, तो बी इसका हो जाएगा टेल और बी इसका हो जाएगा टू आई का हो जाएगा टिप। तो पहले वेक्टर जिसमें ऐड करना है दूसरा वेक्टर, टेल टू टिप मेथड है ये, उसके उसको हम फर्स्ट वेक्टर पे ऐसे रखते हैं कि उसका टेल इसके टिप के ऊपर आए, फिर टेल ऑफ फर्स्ट से टिप ऑफ सेकंड हम ज्वाइन कर लेते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, इसकी डायरेक्शन भी मुझे निकालनी है। अब ये कौन सी एक्सिस है मेरी, एक्स, ये ईस्ट डायरेक्शन, और ये कौन सी एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गई, साउथ हो गई, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये हम न्यूज जानते ईस्ट वेस्ट ये। तो मान लिया, अब देखना यार, मान लिया ये वेक्टर 2i जो है, 2i यानी अलोंग एक्स एक्सिस, उसके साथ ये जो मेरा वेक्टर r है, अगर दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों का वेक्टर सम, समय डिफरेंस भी समी कहलाता है, तो सम और डिफरेंस एक ही बात है, किसी क्वांटिटी का नेगेटिव दूसरी क्वांटिटी में ऐड करना ही डिफरेंस कहलाता है। तो अब ये एसी क्या हो गया, एसी हो गया 2i माइनस 2 रूट 3j, ये दोनों का रिजल्टेंट हुआ, यानी ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी ये मतलब इसका नेगेटिव इसमें ऐड हो रहा है, इस वेक्टर 2 रूट 3 का नेगेटिव इसमें ऐड हो रहा है, तो ये दोनों का वेक्टर सम हो गया। अगर ये दोनों का वेक्टर सम है तो ये पहले 2i अलोंग x एक्सिस, ये वाला नेगेटिव y एक्सिस में, दोनों को ऐड किया टेल टू टिप मेथड से ऐड किया, तो अब ये वेक्टर r यानी 2i कैप माइनस 2 रूट 3 j कैप, ये ac से रिप्रेजेंट हो रहा है थर्ड साइड से, और ये वेक्टर r अलोंग x एक्सिस एंगल बना रहा है थीटा। मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो आप लोग कैलकुलेट कर लो जल्दी फटाफट, डायग्राम ड्रॉ करो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, आपको फिर मैंने टाइम दिया टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में बताऊंगा। अच्छा, ये वो प्रॉब्लम है जो एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन का, अब हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब यहां से हम शुरू हो गए। इतना पढ़ने के बाद एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते और कितने मार्क्स के आते, तो बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। अगला क्वेश्चन 3 मार्क्स का करवाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले ये समझ लें। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर का किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं जानता हूं, ये होता है 2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर। सॉल्व करो यार इसको, 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस यानी प्लस, ये वाला फॉर्मूला कितना है सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड, माइनस 2 रूट 3, तो ये माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस 2 टू सा 4 3 सा 12, लिख दूं ये 4 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर 4 हो गया,
और 2 2 4 3 12 तो ये 12, तो कितना हो गया, ये हो गया 16, मैग्नीट्यूड आ गया इसका 16, नोट करो जरा और लिख दो यार थोड़ा 4, R इज इक्वल टू 4, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और आगे चलते हैं। अब AC, ये R इज इक्वल टू, यानी इसका R का मैग्नीट्यूड, यानी ये किस साइड से रिप्रेजेंट होगा, AC से होगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो AB, लेंथ AB क्या शो कर रहा है, वेक्टर AB, वेक्टर AB रिप्रेजेंट कर रहा है 2i, तो लेंथ AB क्या शो करेगी, वेक्टर AB शो कर रहा है 2i, तो लेंथ AB क्या शो करेगी 2। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला में लगाऊंगा तो मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, बेस अपॉन बस थीटा की वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड तो ये आ गया भाई, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फर्स्ट पार्ट, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, अब इसकी डायरेक्शन यानी थीटा की वैल्यू, अब मुझे चाहिए थीटा, सेकंड थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो देखो ये मिटा रहा हूं, यहां सॉल्व करूंगा ताकि विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, सब ठीक ठाक आपको दिखे, ओके सेकंड पार्ट करते हैं। हमें इस वेक्टर 2i-3 जब इसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन इज गिवन बाय एंगल थीटा, देखिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया, AC की वैल्यू आ गई 4। अच्छा अब यहां देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ए बी इज इक्वल टू 2, ये देख रहे हैं आप ए बी इक्वल टू आई कैफ है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन छोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, 2√3 और AC की वैल्यू हमने वर्कआउट की, AC की वैल्यू आ गई 4। अब हमें कैलकुलेट करना है थीटा, तो हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इस ट्राइंगल में हम ले लेते हैं कॉस थीटा, साइन थीटा से भी आएगा, टेन से भी आएगा, कॉस से भी आएगा, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा आ गया AB और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है AC, तो बेस AB की वैल्यू है 2 और हाइपोटेन्यूस AC की वैल्यू है 4, तो इट मींस cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अब इसको रिजल्टेंट को हम लिखेंगे कैसे, देयरफॉर इसका आंसर लिखने का मेथड क्या है, आंसर इसका लिखने का मेथड है रिजल्टेंट, ठीक है, R is at 60 degree, अब ये 60 degree, R is at 60 degree with direction of east, 60 degree with direction of east, direction of east, अब आप बोलोगे 60 degree with direction of east, तो ये तो ऊपर भी हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे 60 degree direction of, 60 degree with direction of east, of south, south की तरफ 60 degree, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ईस्ट साउथ ऑफ ईस्ट, या ईस्ट ऑफ साउथ कुछ, ईस्ट ऑफ साउथ, ये दिस इज हाउ वी फाइंड द एंगल। अब आ रहे हैं इसके बाद, नोट कर लो, इसके बाद आज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वो मैं आपको डिक्टेट कराता हूं, आज की प्रॉब्लम लिखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, 3 मार्क्स प्रॉब्लम है ये, और ये प्रॉब्लम ये है, लिखे मैं लिख रहा हूं यहां, मैं प्रॉब्लम डिक्टेट कर रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम आज की लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आज की 2, बल्कि 3rd प्रॉब्लम हो गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ 0.6i कैप प्लस 0.8j कैप प्लस सी इज अ यूनिट वेक्टर, मुझे एक वेक्टर गिवन है, मुझे इसमें सी की वैल्यू निकालनी है, गिवन क्या है, इट्स अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नीडलेस टू से दिस प्रॉब्लम इज इंडीड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की आपको मैं एक इंपॉर्टेंस बता दूं कि इस प्रॉब्लम के साथ आपके मैग्नीट्यूड के कॉन्सेप्ट, आप किस बच्चे को मैग्नीट्यूड आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया,
जो बच्चा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और उसका यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, जो ये प्रॉब्लम समझ लेगा, और उसके साथ साथ मैं आपसे बीच में आंसर भी पूछूंगा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, आपसे चैट बॉक्स में अगर कोशिश करूंगा कि आऊँ, टाइम की कंस्ट्रेंट है थोड़ी सी। हाँ, तो मैं आपसे ये बता रहा था, देखो कि अब हम एंटर होने वाले हैं इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन भी आएगा। तो अगर आप ये समझ लोगे तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन को या किसी भी वेक्टर को टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने में बड़ी आसानी होगी। और ये अब ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जाम में भी आते हैं, और इनके अगर आपने समझ लिया तो इनका एप्लीकेशन आगे बहुत आएगा। मैग्नीट्यूड का आप जितने भी आगे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वेक्टर्स से रिलेटेड, उनमें वन वे और दी अदर मैग्नीट्यूड बहुत कैलकुलेट होता है। बिना मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हम प्रॉब्लम आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो आज का पूरा टर्न मैंने डेडिकेट किया ताकि बच्चों के मैग्नीट्यूड के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अपन काम ज़्यादा करेंगे, बातें कम। चलो, मुझे हमेशा बातें कम और काम ज्यादा में विश्वास रखता हूं। चलो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ इट्स 0.6i प्लस 8 पर 0.8j प्लस सी के करेक्शन कर लो, सी के इज अ यूनिट वेक्टर। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं मान लेता हूं लेट द गिवन वेक्टर इज represented by A। तो ये वेक्टर मैं ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर A इज इक्वल टू 0.6i प्लस 0.8j प्लस C। ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर वन, सी के। डॉट कैप्स लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इतना कैप्स के ऊपर माइंड नहीं करेंगे उसको। कैप लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंस इसका जनरल फॉर्म क्या है, हम इसका जनरल फॉर्म जानते हैं किसी भी वेक्टर का, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये किसी भी वेक्टर को लिखने का जनरल फॉर्म, ये आज हमने पढ़ा था किस तरह तीन वेक्टर को जोड़ते। तो हम अभी तक इसी की तो मेहनत करते आ रहे हैं, तीन वेक्टर्स को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर निकालते हैं, वो सिंगल वेक्टर जोड़ के रिजल्टेंट कहलाता है। इस रिजल्टेंट को ट्रायंगल लॉ से भी देखा था हमने, इस रिजल्टेंट को हमने जोड़ने को हमने टेल टू टिप मेथड से भी देखा था। तो आप उसी का एप्लीकेशन हम उसके ऊपर आ रहे हैं। अब यहां से आप देखिए क्लियरली ए ऑफ इक्वेशन वन एंड टू को आप अगर कंपेयर करें तो आप यहां से देखेंगे ए एक्स की वैल्यू आएगी 0.6, ए वाई की वैल्यू आएगी 0.8, ए जेड की वैल्यू आएगी सी, और मुझे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये बोल रहे हैं कि साहब ये एक यूनिट वैक्टर है, तो मैं जानता हूं यूनिट वैक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है वन, है ना। तो अब देखो यहां क्या गिवन है, मुझे गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए कितना है, ये वन है, ये गिवन है, इट्स गिवन टू मी। और इसका फॉर्मूला है, वेक्टर ए इज गिवन बाय, फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसका मुझे फॉर्मूला मालूम है, मैग्नीट्यूड इसका वन है, मैंने यहां लिख दिया। वेक्टर ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स की वैल्यू है 0.6 स्क्वायर, ए वाई की वैल्यू कितनी है 0.8 स्क्वायर प्लस सी, ए जेड की वैल्यू कितनी है सी, मुझे सी की वैल्यू चाहिए। तो अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, वन दिस इंप्लाइज दैट वन इज इक्वल टू 0.36 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो और आगे सॉल्व कर लो यार, अब तो सिंपल सॉल्यूशन बचा है इसका। अब ये तो आज हमने पढ़ा, आप सब अच्छी तरह इतना समझ गए होंगे, वन इज इक्वल टू 0.36 प्लस 0.64, ये होता है 1.00 प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों साइड को स्क्वायर्ड, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस C square, this implies that C square equal to 0, which means C is equal to 0. तो ये मेरे C की value आ गई। तो कितना important problem था ये, आपको definitely बड़ा मजा आया होगा, मुझे तो कराने में मजा आ गया, तो आपको भी बड़ा मजा आया होगा इस problem को देखने में, सीखने में, समझने में। That was indeed a very awesome problem.
इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं अगले टर्न में। मालूम है आपको हम क्या करने वाले हैं अगले टर्न में? हम आपको, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पैरेललोग्राम लॉ, हाँ बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तो इसकी मैग्नीट्यूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई है। अभी अगले टर्न में इससे रिलेटेड डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। हम अगले टर्न में करने वाले हैं, मालूम है आपको, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड वेक्टर फॉर्म में इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, ठीक है? और फिर पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस करेंगे। अब जाते जाते आपको एक चीज और बताऊं यार, अगर हम कोई सॉल्यूशन करते हैं तो हमें पता डाउट होता है यार, पता नहीं आंसर होगा हमारा सही है कि नहीं। चलो आंसर चेक करें, कैसे आंसर चेक करें? अगर इसमें यहां c की वैल्यू मैं रख दूं जीरो, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड आएगा जीरो? चलो आंसर चेक करते हैं, पर आज आपका ये लास्ट, आज अपन इसका आंसर चेक करें कि क्या मेरा जो आंसर है वो सही है। देखो आंसर कैसे चेक करते हैं, तो ये मेरा वेक्टर a हो गया, कितना हो गया 0.6i प्लस 0.8j प्लस 0, ठीक है? c की वैल्यू 0 आएगी तब ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि c की वैल्यू निकालो अगर ये यूनिट वेक्टर है। अगर c की वैल्यू 0 तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? चेक कर लो। तो a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं 0.6 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.00 आ जाएगी। ये 0.64 प्लस 0.36 की वैल्यू 1.00, तो a इज इक्वल टू आ गया, ये लीजिए इसका मैग्नीट्यूड आ गया 1, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही। मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, मोर डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म इन नेक्स्ट टर्न। टिल देन गुड बाय।